हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि आपने अभी किसी को पहले ब्लॉक किया था और फिर अनब्लॉक भी किया है, फिर भी आपको ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, तो क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है कि फिर आपको किसी ने ब्लॉक भी नहीं किया है फिर भी आपको ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा होगा इस तरीके से। तो आपको वो प्रॉब्लम कैसे छुटकारा पा सकते हो। देखिए गाइस, हमने इसको ब्लॉक भी नहीं किया, ये अनब्लॉक का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, उसी के बारे में हम बात करने वाले। तो हमारी वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलते गाइस हमारे वीडियो बिना किसी देर के। तो सबसे पहले कुछ नहीं, यहाँ से आपको बैक चले जाना है, और यहाँ आपको फिर से भी आपको एक बार चेक ही कर लेना है कि आपने ब्लॉक किया तो नहीं है। तो मैं यहाँ आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आपको थ्री लाइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो ब्लॉक किया होगा तो अनब्लॉक का, तो नहीं है तो यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है, और यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लॉक नंबर का, तो इसकी जगह आपको अनब्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको जस्ट उस पर क्लिक करके वो क्लिक कर सकते हो। और यहाँ आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा डोंट रिवर्ट टू वॉइस ईमेल, तो जस्ट उस पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ आपको रिवर्ट टू वॉइस ईमेल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन, आपको चले जाना है प्ले स्टोर में। तो मैं प्ले स्टोर पर चले जाता हूँ, तो मैं इसी तरह से आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है, और यहाँ से आपको जो फ़ोन है वो आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं वही एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से आपको अपडेट आया है तो उसे आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है। तो आपको अपडेट कर लेने के बाद भी जो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो कुछ नहीं, यहाँ से आपको बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद यहाँ आपको कॉल डायल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उस पर आपको प्रेस करके रखना है। जैसे उसको प्रेस करके रखोगे तो यहाँ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ आपको आई आइकन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जस्ट उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज यूजर का, तो जस्ट उस पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आप क्लियर डाटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जस्ट उस पर क्लिक करके यहाँ डिलीट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको ओपन करके फिर से उस नंबर पर आपको वो बंदे को कहना है कि कॉल करके देखे, तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा।